डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द्रव्यमान व समय के व्यवहारिक मात्रक। पिछली क्लास में हमने लंबाई के व्यवहारिक मात्रक पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक के बारे में। वे तीनों ही लंबाई के मात्रक थे। इसमें एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक पारसेक क्या होता है, ये सब अपने को पता होना चाहिए। एक चीज ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है कि समय का। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें वर्ष आ रहा है तो कहीं आप ये समझो कि सर ये समय का मात्रक है, ये दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। क्लियर है? तो इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं द्रव्यमान और समय के व्यवहारिक मात्रकों को। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक। व्यवहारिक मात्रक सबको पता है, घरेलू मात्रक। द्रव्यमान के कुछ व्यवहारिक मात्रक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे टैबलेट आप लोग लेकर आते हो मार्केट से, उस पे लिखा होता है एक टैबलेट 500 एमजी की है, मिलीग्राम 500 मिलीग्राम, तो ये भी द्रव्यमान का ही मात्रक है, मिलीग्राम। तो एक मिलीग्राम का मतलब होता है, देखो मिली का मतलब आपको टेली में बताया था, मिली का मतलब होता है 10^-3 और एक ग्राम। तो एक मिलीग्राम का मतलब होता है 10^-3 ग्राम। और इसको अगर हम किलो में कन्वर्ट करें तो देखो, एक किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। तो यहां से 1000 को इधर ले आओ तो 1/1000 किलो बराबर ग्राम या 1 ग्राम। इसको ऊपर ले जाओगे, 10^3 है तो ऊपर जाएगा तो 10^-3 हो जाएगा, ये किलो बराबर 1 ग्राम। तो ग्राम की जगह हम लिख सकते हैं 10^-3 किलो। देखो ये हो जाएगा 10^-3 ग्राम को लिख देंगे, 10^-3 केजी, ये हो जाएगा 10^3 और 3 6, 10^-6 केजी। तो 1 मिलीग्राम का मतलब होता है 10^-6 केजी। ऐसे ही और भी द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक होते हैं, जैसे क्विंटल भी हम यूज करते हैं। तो क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। ऐसे ही हम और भी यूज करते हैं मेट्रिक टन। टन भी जो मात्रक होता है वो द्रव्यमान का ही होता है। तो एक मीट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलो। क्लियर है? ये हो गए। ऐसे ही अपने देसी आप मन भी यूज करते हो, जैसे एक मन का मतलब होता है 40 केजी। तो ये भी व्यवहारिक मात्रक है। अब हम बात करेंगे और कुछ व्यवहारिक मात्रकों की। मिलीग्राम हो गया, क्विंटल, मीट्रिक टन, उसके बाद छोटे द्रव्यमान को मापने के लिए हम और एक मात्रक यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, और हिंदी में बोले तो परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो एक एएमयू का मतलब होता है, एक एएमयू मतलब एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग एक एएमयू होता है, और ये होता है 6.67 × 10^-27 kg। तो एक एएमयू का मतलब होता है इतना किलोग्राम। क्लियर है? उसके बाद हम यूज करते हैं द्रव्यमान का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है चंद्रशेखर इकाई। चंद्रशेखर इकाई, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं CSU, चंद्रशेखर यूनिट। तो
वन सी एस यू का मतलब होता है 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य के द्रव्यमान को अगर हम 1.4 से गुना कर दें तो वो बन जाता है 1 सी एस यू, सूर्य का द्रव्यमान। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, सूर्य के द्रव्यमान को 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 2.8 × 10⁻³० kg। क्लियर है? तो ये होता है 1 सी एस यू। तो छोटे छोटे जो मात्रक हैं, ये सब अपने को याद होना चाहिए। 1 एम यू क्या होता है, 1 सी एस यू क्या होता है। क्लियर है? तो ये तो हो गए द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक। अब हम डिस्कस करेंगे समय के व्यवहारिक मात्रकों के बारे में। समय के व्यवहारिक मात्रक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो समय होता है उसके मात्रक होते हैं। समय को ऐसा ही मात्रक तो होता है समय का, सेकंड। व्यवहारिक मात्रक की अगर हम बात करें तो मिनट हो गया, घंटा हो गया, ये सब व्यवहारिक मात्रक होते हैं। उसके अलावा दिन हो गया, सौर दिवस। सौर दिवस क्या होता है इसको समझते हैं। एक दिन की अगर हम बात करें तो एक दिन हम किसको कहते हैं, तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब चक्कर कैसे लगाती है, देखो ऐसे भी घूमती है, साथ में वो अपने अक्ष पे भी घूमती जाती है, उस इस टाइप से वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर, देखो ये ऐसे घूमती है पृथ्वी, तो यहां से घूमी और एक चक्कर पूरा करने में अपने अक्ष पर जो समय लगता है उसको हम कहते हैं सौर दिवस। क्लियर है? तो एक सौर दिवस का मतलब होता है 24 घंटे। मतलब यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ष। वर्ष हमें किस, वर्ष क्या होता है, देखो एक वर्ष कब होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेती है उसको हम कहते हैं एक वर्ष। तो एक वर्ष का मतलब होता है 365 सही 1/4 दिन। क्लियर है? ये होता है एक वर्ष। उसके बाद है चंद्रमास। चंद्रमास क्या होता है, चंद्रमास का मीनिंग ये होता है, देखो जो चंद्रमा होता है, मान लो ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ऐसे। क्लियर है कि नहीं? तो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं चंद्रमास। तो ये जो समय होता है ये होता है 27.3 दिन। 27.3 दिन में जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। ये हो गए। उसके अलावा और अगर हम मात्रक की बात करें तो एक होता है से, समय का जो मात्रक होता है से का मतलब होता है 10⁻⁸ सेकंड। इस समय का सबसे छोटा मात्रक है सेक। एक से क्या होता है, ध्यान समझो, ये आपको बाद में समझ आएगा जब आप परमाणु के बारे में पढ़ोगे। देखो ये परमाणु में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं अलग अलग कक्षाओं में। जैसे ही अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में भी है वो अलग अलग परमाणु में अलग अलग होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊर्जा ग्रहण करके एक कक्षा से जब दूसरी कक्षा में जाता है और वापस तुरंत इसमें नीचे आ जाता है, इस कक्षा में जो रुकने का जो समय है उसका वो होता है 10⁻⁸ सेकंड या 1 सेकंड। इतने समय के लिए वो रुकता है फिर वापस से नीचे आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेक, ये 10⁻⁸ सेकंड। तो ये थे द्रव्यमान और समय के व्यवहारिक मात्रकों के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू। बाकी डिस्कशन कल करेंगे।